कैमरा बंद करो, इसे जल्दी डिलीट करो। अरे हमारी रेटिंग गिर रही है। मैंने 75,000 की इयररिंग खो दी। क्यों ना हम सलाद के साथ शुरुआत करें। हाँ हटो, हम कपल बनेंगे। अरे आखिर किसी को मेरी परवाह क्यों नहीं है, बस इनको तमाशे ही करने हैं। आज का शो यहीं पर खत्म होता तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे। ये लो। ये क्या है? हाई फाइव दो। तुम लोग क्या कर रहे हो बेवकूफो? ओ धो दिया। उसे पकड़ो। हाँ। चलो। जाने दो मुझे। लड़कियों ये शोर कैसा है? मम्मी 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 मुझे बचा लो, ये लड़कियाँ मुझे तंग कर रही है। इसलिए ताकि तुम अपसेट ना हो। और मम्मी आखिर क्यों? क्योंकि हमारे रियलिटी शो में हमारी रेटिंग 0 है, इस तरह से हम जल्दी लुट जाएंगे। पैसे नहीं है? तुम लोग जल्द ही मेरे पीछे आओ और कंटेंट बनाओ। मैंने कहा था ना बेवकूफ कि जल्दी कैमरा लेकर आओ, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मम्मी मम्मी अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे थोड़े पैसे चाहिए, शो पे जाने के लिए रेडी होना है, एक नई ड्रेस खरीदनी है। दूर हटो, जरा सोचो कि तुम मांग क्या रही हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उगता तो है, पेपर होता है वो। तुम पूरी मूर्ख हो, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली, वैसे भी हम जल्द ही कंगाल होने वाले हैं। उप्स, उप्स, आ, माँ मुझे पकड़ो, लगता है मैं गिर रही हूँ। अब ये क्या है? आपने मुझे पैसे दिए और मैंने अपने लिए डिजाइनर ड्रेस खरीद ली। देखो 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 जरा। मॉम उस बकवास के लिए आपने उसको पैसे दे दिए पर मुझे नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो, उसकी बकवास ही हमें लाखों व्यूज दिलाती है। अरे हमारे शो का नया सीजन शुरू, हम अब फिर से लाखों कमाएंगे। बताओ आप में से शूट किसका करना है? बस हमें देखो। जैक इसे चालू करो। हाँ। देखो देखो देखो। अरे मैं सिर के बल खड़ी हो सकती हूँ, शूट करो मुझे। ये तो सर्कस से भी ज्यादा खतरनाक है। देखो 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 देखो, ये सब तुम क्या कर रहे हो बेवकूफों? अरे हमारी रेटिंग गिर रही है, इसे डिलीट करो, जल्दी कैमरा बंद करो। चलो तुम निकलो यहाँ से। माँ हम एक शो बना रहे हैं। तुम लोग शो के नाम पर एक कलंक हो। तुम्हें पाला? हाँ पाला किसने? मूर्ख लड़कियों हमारी रेटिंग लगातार गिर रही है। माँ बस। अच्छा अब अपना मुंह बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। केसी तुम रनवे पर चलोगी बस, और तुम एलिस तुम कॉस्मेटिक का ऐड करोगी, समझ गई तुम? हमारे शो की रेटिंग लगातार गिर रही है, हमें उसे बढ़ाने की जरूरत है। क्या? तुम और कितनी देर हो सकती हो, सबका दिमाग खराब कर रही हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब इस बार क्या हो गया? पापा मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे हाँ, मेरी बात सुनो, मेरे पास शो के लिए एक आइडिया तुम्हारे लिए। क्या तुम रहोगी? बिल्कुल किटी की तरह। क्या ये ठीक है? अरे वाह सही किया, तुम तो किटी से भी अच्छा करती हो। आखिर किसी को मेरी परवाह क्यों नहीं है, बस तमाशे ही करने इनको। ओह कम ऑन, कहाँ रह गए? ओह आखिरकार आ ही गए। क्या तुम लोग को ठीक से याद है ना तुम लोग को क्या करना है? हाँ। सच कैमरा चालू करो। तो हम लाइव है ना? क्या हम शूट कर रहे हैं? सभी को हेलो, और क्रेजी घर फैमिली के नए सीजन में आप सभी का स्वागत है। सभी को हाय दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब लड़कियां बताएंगी कि आज वो क्या करने जा रही हैं। हम क्या कर रहे हैं?
अपने दिमाग को चलाओ बेवकूफों। माँ ने कहा कि मैं मॉडल बनूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? मैं कॉस्मेटिक्स पर चल रही हूँ, मैं एक मॉडल हूँ। और मैं रनवे गाइड करूंगी। इस शानदार फ्लोर को देखें और हमारे फ्लोर खरीदें। देखें। बेवकूफ कहीं के, सब गड़बड़ कर दिया। अरे रनवे पर चलो और कॉस्मेटिक का ऐड करो। ये क्या कर रही हो तुम? पापा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। हमारी रेटिंग बहुत तेजी से गिर रही है। कैमरा बंद करो, हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को खोने वाले हैं। चलो फिर शुरू करो। ठीक है, अब बस सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। पैसा कमाने का ये तुम लोगों के पास बस अब एक आखिरी मौका है। तो अब एक्शन। आप देख रहे हैं क्रेजी घर फैमिली शो। वोहू! अब केसी बताएंगी कि वो मॉडलिंग में क्या कर सकती हैं। मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक मॉडल। केसी, तुम्हें इसे सीरियसली लेना होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या केसी मॉडल बनेंगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं। चलो मत, तुम्हारा फिगर आलू के बैग जैसा है। तुम कभी भी मॉडल नहीं बन पाओगी, बेशक। क्या बुरा सपना है, ये रेटिंग तो लगातार गिर रही है, अब हम क्या करें? हाय एवरीवन, माफ करना मुझे थोड़ी देर हो गई। ओए, अब मुझे पता है। और ये हमारी सबसे प्यारी दुलारी बेटी है। सच में? ये लो, इससे जो चाहे खरीद लो। शुक्रिया माँ। ओह रेटिंग सुपर, चली जाओ। मुझे अपनी बेटियों को खुश करना बहुत पसंद है और आप चैनल मत बदलना। ठीक है, हो गया। मुझे तो यही चाहिए था। वाओ, मम्मी ने आज मुझे खूब सारे पैसे दिए, मैं बहुत से कपड़े खरीदूंगी। चलो अपने शो के लिए कुछ बोलो जल्दी। हाय गाइस, देखो मेरे हाथ में क्या है, मैं पहली बार अपने लिए कुछ खरीद सकती हूँ। जैच, कैमरा बंद करो। लेकिन किटी का शूट चालू है। तुम पहले हो क्या? जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मम्मी शुक्रिया पैसे। तुम अपना मुंह बंद करो, ये मेरा पैसा है। ओ लड़कियों, ये लो। शानदार, माँ सुबह से हमें 4 बार पैसे दे चुकी हैं। और मैं? तो चलो लड़कियों, मैं तुम लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरी बनाऊंगी। पैसा हमारे लिए सब कुछ है। तो लड़कियों, चलो चलते हैं कहीं शॉपिंग करने। तुमने वीडियो बनाई? नहीं, आप ही ने तो बोला था कि रिकॉर्डिंग मत करो। तुम पूरे बेवकूफ हो, हमारी रेटिंग पहले ही बहुत गिर रही है। पापा, और कितने देर? ए, किटी, मेरी जान, क्या हो गया तुझे? तुम तो शायद सच में रो रही हो। क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मम्मी ने मुझे पैसे दिए लेकिन शो के बाद वापस भी ले लिए। माँ तुम्हारे लिए अच्छा चाहती है और ये तुम अच्छे से जानती हो, और तुम हमारे लिए किसी भी चीज से ज्यादा कीमती हो। सच्ची? इस शो से भी ज्यादा? हाँ बिल्कुल, अब तुम जाओ। जा शूट किया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब सबको लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता हूँ। आइडिया के लिए तुम्हारा शुक्रिया किडे। तुम फिर से रोने लगी? एक तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अब तुम लोगों के मैनेजर के तौर पर मैं चाहती हूँ कि तुम सब कैमरे में अच्छी दिखो, और उसके लिए तुम लोग ये हीरे, सोना और मोती पहनो। मम्मी, शायद आप शो में मेरे लिए कोई ट्रिक रख सकती हो। तुम्हारी ट्रिक? तुम बिल्कुल बदसूरत हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। केसी सही कह रही है। ये लो, ये रहा तुम्हारा गहना। गोल्डन पूप?
पर पापा ने कहा कि आप मुझसे प्यार करती हो। अगर पापा ने तुमसे ऐसा कहा है तो वो तुमसे प्यार कर सकते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ आप सबसे। इसे जल्दी पकड़ो, ये लड़की बड़ी पागल हुई है। सब भरावो। अब तुम जाओ यहाँ से और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को खुश करो, समझ गई तुम? जैच चालू करो। एक्शन। सभी को हेलो, ये क्रेजी घर फैमिली शो का नया एपिसोड है। वाओ। और आज हम खाना बनाएंगे। और अब मेरी फेवरेट बेटियां दिखाएंगी कि वो क्या कर सकती हैं। क्यों ना हम सलाद के साथ शुरुआत करें। हाँ। असल में हम प्रॉपर डाइट पर हैं। कितनी अच्छी लड़कियां हैं मेरी। मैंने बनाया है एक पाय जैम, रेडी हो गया वो। क्या बकवास है, इसमें ग्लूटेन होता है। मैं इसे सबसे पहले ट्राई करूंगी। ओह, कितना नमकीन है ये। लगता है मेरी बेटी ने नमक को ही चीनी समझ लिया था। ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो, इतना टेस्टी तो है। ये गलत है, इसे खा नहीं सकते। किटी, क्या तुम हमें बीमार करना चाहती हो? तुम ऐसे क्यों हो? मैं व्यूअर्स के साथ रेसिपी शेयर करना चाहती थी। डियर व्यूअर्स, चैनल मत बदलना, हम फिर से जल्द ही वापस आएंगे। हो गया। तुम इस तरह और कितना रो सकती हो? शो की रेटिंग गिर रही है, हमारा शो बर्बाद कर रही हो तुम। तुम किस तरह की मॉडल हो, बंदर की तरह। अरे मुझे तो लगता है कि वो सफल होगी। किटी मुंह बंद करो, किसी ने तुमसे नहीं पूछा, समझी? तुम लोग यहाँ बैठकर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? रेटिंग कौन बढ़ाएगा? किटी की वजह से पहले ही रेटिंग्स बहुत नीचे गिर गई हैं। माँ, मैंने कमेंट में पढ़ा कि वो मुझे पसंद करते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमसे किसी ने नहीं पूछा, हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। और तुम किटी, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा सब बर्बाद कर देता है। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। किटी, मैं तुमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब्सक्राइबर्स हमारा वेट कर रहे हैं मैडम। सब चलो जल्दी। क्रेजी घर फैमिली शो में आपका स्वागत है और अब मेरी बेटियां मुझसे सवाल करेंगी। मैं माँ से पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो डियर। माँ, क्या आपके अकाउंट में $70 million हैं? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, तुम झूठ बोल रही हो। ओए, लगता है मैंने झूठ बोला। अब मेरा एक सवाल है, माँ, क्या मैं आपकी फेवरेट बेटी हूँ? डिपेंड करता है। कम ऑन माँ। हाँ, तुम ही मेरी फेवरेट बेटी हो। अरे, ये सच है, मैं फेवरेट बेटी हूँ। लेकिन माँ, ये और मैं क्यों नहीं? मुंह बंद करो अपना। चलो हो गया, कैमरे में भी कोई दिक्कत आ रही है लगता है। सुनो सुनो, क्या मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ? ठीक है, आ जाओ, एक मिनट कैमरा चालू कर लो। माँ, क्या आप मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल मेरी प्यारी दुलारी बेटी। अरे बाप रे, ये मैडम रेटिंग गिर रही है आपकी। क्या? तो
तुम मक्कार लड़की, तुमने मेरा पूरा शो बर्बाद कर दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या चाहती हो तुम? हाँ, लंच टाइम। आप लोग क्रेजी घर फैमिली शो देख रहे हैं, वो भी लाइव। और अब मैं टैटू बनवा रही हूँ। क्या हो रहा है ये है क्या? मैं अपनी दोनों फेवरेट बेटियों के नाम पर टैटू बनवा रही हूँ, केसी और एलिस। तो फिर किटी का क्या होगा? जैक तुम चुप रहो। लेकिन मेरा लंच है अभी। समझ गई, एक और पागल लड़की। टैटूज में नाम डालना केसी और एलिस। वो मिसेस क्रिस्टी, सुनिए, वो ईवा का जो नाम है ना, वो थोड़ा बड़ा लिखवाइएगा। बहुत अच्छा आइडिया है। आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकती हो? ये पूछ रहे हैं कि आप किटी को अपने चैनल पर क्यों नहीं लाती हैं ज्यादा? वो मैं नहीं जानती, एक्चुअली वो हमेशा बीमार रहती है ना, इसलिए रोती है। जानती हूँ तुम्हारी बेटी का नाम ईवा है, उसके नाम का टैटू बनवाओगी? मैंने 75,000 की इयररिंग खो दी। कैसे? मैं नहा रही थी और वो पानी में बह गई। ठीक है, फिर ईवा के नाम का कोई टैटू नहीं। और सुनो, नाली इतनी बड़ी नहीं है कि तुम अपना इयररिंग ना ढूंढ सको, जाकर ढूंढो, समझी? मैं खुद ही रेटिंग बढ़ा लूंगी बिना उसकी टीके। और मुझे यहाँ किसने बुलाया? पस, 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 तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना, मिसेस क्रिस्टी। चलो पहचाना तो बात ये है कि मैं तुम्हें ये $5,000 दूंगी और तुम एलिस को डेट करोगे। क्या? देखो मुझे शो के लिए इसकी जरूरत है, उसे बाहर ले जाओ, उसे चूमो। मैं ये नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है। अच्छा फिर $20,000 भी? 30, और ये डील डन। ठीक है लो। अरे देखो, क्या वो क्रिस्टी है? वो व्लॉगर टाइलर के साथ कर क्या रही है? ये क्या, पपराजी? क्या मुझे वीडियो में होना चाहिए? किसी को तो वीडियो में खुद को शर्मिंदा करना पड़ेगा ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू होती है, हम बाद में एडिट करेंगे। डियर सब्सक्राइबर्स, अब हम आपके सारे भेजे हुए गिफ्ट्स को खोल रहे हैं। ओह, इतने सारे हैं। हमेशा की तरह लगता है किसी ने मुझे कुछ नहीं भेजा। और ये किसके लिए है किटी? किटी? अरे वाह! अगला गिफ्ट किसके लिए है? ओ अच्छा, ये किटी। ये किटी के लिए, सब फिर से किटी के लिए। हुर्रे, मेरे कितने सारे फैंस हैं। नहीं, ये सब हमारे लिए है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर मुझे व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। अरे मैं फेमस ब्लॉगर हूँ, मैं भला किस चीज के लिए तैयार हो गया? ओह हाँ, पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो रहा। हाय टायलर। हाँ बैठ जाओ। तुम बहुत हैंडसम हो। और तुम, ये स्मेल कैसी है? क्या तुम्हें पसंद है? मैं सांस नहीं ले पा रहा। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वाओ, मुझे भी तुम पसंद हो। हटो हटो, हम कपल बनेंगे। हुर्रे, रुक जाओ। क्या करे क्या करे, उन बेवकूफों ने फिर से किटी की इंसल्ट की और रेटिंग फिर से गिर गई। डार्लिंग, ये बताओ कि तुम मेरे कान क्यों फाड़ रही हो? क्योंकि शो की रेटिंग लगातार गिर रही है और कर्ज वाले हमारा सारा सामान
सामान ले जा रहे, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? नहीं, मेरा फर्नीचर। तुम इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारी रेटिंग जल्दी ऊपर हो जाएंगे। कैसे कैसे रेटिंग बढ़ाई जाए? मुझे कुछ करना होगा। हाँ, अगर ईवा की बदसूरत फोटो पोस्ट कर दे तो शायद इस पोस्ट से ही कोई फायदा मिल जाए। मिसेस क्रिस्टी, हमें बात करनी चाहिए। टायलर, आखिर बात क्या है? मैंने ना टायलर को अपने ब्लॉग में मदद करने के लिए बुलाया था। स्वीटी, हमारे लिए चाय बना देना। मिसेस क्रिस्टी, एलाइस ने मुझे किस किया, ये बात तय नहीं हुई थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार हमें रेटिंग ही तो चाहिए ना। नहीं, डील कैंसल। रुको रुको, मैं तुम्हें $1,00,000 और दूंगी, और इस बार तुम्हें किटी के साथ डेट पर जाना है। हाँ, बस इतना ही। आप पागल हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा, देखो इस तरह से मेरी लैम्बोर्गिनी भी तुम्हारी हो सकती है। अरे वाह, मैंने हमेशा इस कार का सपना देखा है। तो फिर 3 बजे किटी को पिक करो, बाय। हेलो पेपराजी, आप लोग आज 3 बजे मेरे घर पर आओ। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इमेजिन करो। आखिरकार मैंने अपनी आखिरी कार भी दे दी, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं। माँ की शान। मम्मी मुझे बचाओ। अरे क्या हो गया? मैंने मेकअप लगाया और मुझे रैशेस हो गए। ओ, ये कितना भयानक है। अब मैं इसे लोगों को कैसे बेचूंगी? मुझे इसकी परवाह नहीं कैसे, मुझे बस पैसा चाहिए, पैसा। मैं कुछ सोच लूंगी। हेलो, अरे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक गिर गए। क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे मेकअप की वजह से हुआ है, बहुत सारे लोग हमें इंस्टा पर अनफॉलो कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं अब इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर नहीं हूँ। वो मुझे शो में क्यों लेते हैं? वो सिर्फ मेरी इंसल्ट करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। हम शो का एक और सीजन लॉन्च करने वाले जल्दी। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पापा रुको। किटी, दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ, टीवी के लोगों का कॉल है। पापा को भी मेरी परवाह नहीं है। हे किटी, कैसी हो? टायलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए, ये लो। वाओ, शानदार, शुक्रिया। वैसे मैं काफी टाइम से बोलना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और अगर तुम बुरा ना मानो तो हम कूल शोबीज कपल बन सकते हैं। मुझे पता नहीं है। वाह, टायलर और किटी। अरे वाह, हमने सबसे पहले पता लगाया। ये सबसे शानदार कंटेंट होगा। टायलर, ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड है, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। ओ किटी, काश मैं तुम्हें बिना पैसों के प्यार कर पाता। चलो और तेज, नया एपिसोड शुरू करो। लेकिन माँ, मैंने सोचा हमारे पास एक ब्रेक है। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, शूट 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 बस। चलो फिर आ जाओ, शूट शुरू करते हैं, रोलिंग। केसी, अब तुम नया एपिसोड अनाउंस करो। सभी को हाय, आप क्रेजी गर्ल फैमिली का शो देख रहे हैं, और आज हम मैम, आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? लड़कियों, आज हम देख रहे हैं कि किन मैगजीन्स ने हमारे बारे में आर्टिकल छापा है। फोटो सबसे छोटी है। शांत हो जाओ, अगली मैगजीन देखते हैं। हो गया? अच्छा। ओ, देखो तो जरा, देखो जरा इस मैगजीन में क्या छपा है। कहा? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। ऐसा नहीं,
नहीं हो सकता। टायलर और किटी साथ में, उसने कहा था वो मुझसे प्यार करता है। सीरियसली? ओ बाप रे, कितना भयानक है। लो देखो, लो आ गई हमारा घर तोड़ने वाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रेटिंग फिर से हाई हो गई है। हाँ बेशक, ये सब मेरी बेटियों की लड़ाई की बदौलत है। मैंने टायलर को पहले एलिस को और फिर किटी को डेट करने के लिए कहा। अरे वाह, तो ये सब इसलिए था? अब तो वो हमारे फर्नीचर भी वापस कर देंगे। हाँ, क्योंकि मैं सबसे चतुर मैनेजर हूँ। और मुझे ना और बच्चे होने चाहिए थे। जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा प्रचार। हाँ, इसके बाद तुम कहोगी कि मुझे तो जेंडर ही बदल लेना चाहिए। ओए, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब व्यूअर्स को लड़ाई में दिलचस्पी है तो मैं क्या करूं? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड को चुराना? खैर कोई नहीं, हमारा फर्नीचर वापस आ गया। माँ, ये मेरी गलती नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? झूठ मत बोलो। वैसे भी शायद हम तुम्हें एक मॉडल बना देंगे। मैं? सच में? आपको शो में मेरी जरूरत सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए है। माँ, क्या आपने फोन किया? बस अभी मेरा एक फोटो सेशन है। बस उसी बारे में, किटी ने अभी अभी कहा कि वो एक मॉडल बनना चाहती है। लगता है कि वो तुम्हारी जगह लेना चाह रही है। क्या? क्या तुम पागल हो? इस घर में मैं अकेली मॉडल हूँ। मॉम, आप पागल हो? मेरे कान में मत चिल्लाओ। कान फटने लगे हैं तो दूर हो जाओ ना। तुम कौन हो? माँ पर चिल्लाई तुम और मेरी मॉडलिंग पॉपुलैरिटी को छीनना चाहती हो? रुको जरा। अच्छा है, लड़ो लड़ो, रेडी आ रही है। ये भयानक है दोस्तों, हमारे साथ एक हादसा हो गया। हमारी प्यारी छोटी बहन किटी अब हॉस्पिटल में है। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग सब? ये कैसे हो गया? किसी से लड़ रही थी, सब अचानक से हुआ, वो घबरा गई। अरे बाप रे, मेरी प्यारी किटी। हमें नहीं पता क्या करना है। मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि टायलर। मुझे उम्मीद है वो अब जल्दी ठीक हो जाएगी। बस अब हम खत्म कर रहे हैं। हाँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। हाँ। किटी, किटी, मेरी प्यारी किटी, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या हम उसे बता दें कि ये सब शो का हिस्सा है और किटी ठीक है? मुझे नहीं पता, जैक करोना कितना मजेदार है। अरे क्या कह रही हो, क्या ये सब कुछ झूठ है? हाँ बिल्कुल, उसकी माँ ने उसे जानबूझकर हॉस्पिटल में रखा। अरे बाप रे, कितने जालिम लोग हैं ये सारे। मुझे मेरी किटी का ख्याल रखना होगा। ये सब मेरे साथ क्यों? मेरे साथ ही क्यों? स्वीट हार्ट, क्या हो गया तुम्हें? डैड अब क्या पूछ रहे? उन्होंने बिना किसी वजह के मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। तुम समझती हो ना कि ये सब शो के लिए है और इस तरीके से सबके लिए अच्छा ही होगा। पर डैड, मैं हेल्दी हूँ। माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है? ठीक है, बस भी करो। एक्सक्यूज मी, यहाँ कुछ है। आखिर अब क्या हो गया? आपकी पत्नी ने किटी को यहाँ एक हफ्ते के लिए भेजा और उससे पहले उन दोनों के टेस्ट हुए। क्या मैं बीमार हूँ? नहीं, मिसेस क्रिस्टी तुम्हारी माँ नहीं है। क्या?
ऐसा नहीं हो सकता। पापा, क्या मुझे गोद लिया गया है? क्या इसीलिए मेरी इंसल्ट करती है वो? केटी, तुम यहीं पर रहना, जब तक मैं सब कुछ पता करके आता हूँ। केटी, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चलो चलो, ठीक से खड़ी हो जाओ। माँ, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम अपने शो का इंट्रो शूट कर रहे हैं। मुझे बीच में होना चाहिए क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ। हाँ जरूर, मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ चलो, रेडी, खींचने वाला हूँ। हो गया, चलो अब शूट करते हैं। आ जाओ सामने, आ जाओ। लड़कियों, सफाई में मेरी मदद कौन करेगा? माँ, हम ये सफाई नहीं करेंगे। फिर पैसे नहीं मिलेंगे। ये आइडिया हमेशा काम करता है। बहुत हो गया, रिकॉर्ड करना बंद करो, मुझे पता है सब कुछ। तुम्हें क्या पता है भला? सैज, कैमरा बंद करो। ठीक है, करता हूँ। किटी को गोद लिया गया था, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला नेट? एडॉप्टेड? माँ, क्या हम एडॉप्टेड हैं? तुम लोग मेरी बेटियाँ हो और किटी एडॉप्टेड है, और तुम लोगों को धोखा देने के लिए मैंने एक नकली प्रेग्नेंट बेली पहनी थी। क्या? आप पागल हो? बस शो मैं छोड़ रही हूँ, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। और मैं भी। खुद जाकर एक मॉडल बनो, झूठी कहेंगी। दिक्कत हो गई क्या मिस क्रिस्टी? जो कुछ भी अभी आपने बताया वो सब कुछ गलती से रिकॉर्ड हो गया। शो यहीं पर खत्म होता है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत हुआ, मुझे हॉस्पिटल से भागना होगा। रुको, तुम ऐसे हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं पुलिस बुला रही हूँ। बुला लो जिसे बुलाना है तुमको। केटी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे तुरंत यहाँ वापस आओ। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं शो ऑनलाइन देख रहा था जहाँ उन्होंने कहा कि तुम अडॉप्टेड हो। अरे नहीं, और लगता है शो कैंसिल कर दिया गया। बहुत ही अच्छा हुआ। मम्मी, मेरा मतलब एक्स मम्मी, अब लड़कियों को तंग करना बंद कर देंगी। चलो भाग चलें। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं अनाथालय चली जाऊंगी। मेरे पास कुछ है, मत पूछना कि ये कहाँ से है, पर मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। हे, रुको, पुलिस आने वाली है। ओ नो 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 नो, चलो भागो। रुको। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो एंड तक देख लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम एक व्लॉग शूट कर रहे हैं हमेशा की तरह, जिसके लिए आप भीख मांगते हो, उसे आप पसंद करते हो, तो फिर ठीक है, आज व्लॉग शूट हो रहा है। और आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो आप हमें एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आज जो ये फैमिली थी, ये किस सेलिब्रिटी फैमिली से मिलती है, हमें कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी। और आपने इस वीडियो से जो भी कुछ समझा हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जाना कि सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं बल्कि एक रियल फैमिली है जो प्यार करे, सपोर्ट करे, हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है सब्सक्राइबर्स, चलिए हमें कमेंट में बताइए कि अगर हम ऐसे पॉपुलर फैमिलीज के बारे में वीडियो शूट करते तो आपको कैसा लगता है, जल्दी बताइए कमेंट में। स्टार, फिल्म स्टार, सिंगिंग स्टार, म्यूजिक स्टार, जो भी स्टार है उसके बारे में कैसा लगता है कमेंट में। मुझे सच में पसंद है, मुझे बहुत पसंद आया जब हमने द हंगर गेम्स की शूटिंग की, बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छा काम किया था उसमें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। शायद आपके पास कुछ और हो, मुझे नहीं पता, शूट करने के लिए सुझाव
जैसे कोई दूसरे शो, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखें। और पता है मुझे क्या पसंद आता है? हमें भूत भूत जैसा कुछ हॉरर शूट करना चाहिए, वो अच्छा लगता है। मुझे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बंदा कौन लगता है। मेरे लिए तो ये जैक सरदर्द है। अरे मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, यही सब कुछ करता है, वहाँ पर नाम मेरा लगा नहीं। खैर ये मैं हैरी को पॉइंट करूंगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत अनॉइंग था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे तंग किया। मुझे काफी अफसोस की बात है, सच में किटी के साथ काफी गलत बर्ताव हुआ। किटी नहीं यार गलत है। हमने ठीक है दोस्तों, तुम लोग काफी उदास लग रहे हो इसलिए मैंने एक गेम तैयार की है। तुम तैयार हो? हाँ। तो मैं शॉर्ट में सब कुछ बता देता हूँ। करना ये है कि सबको तीन जोड़ियाँ बनानी है, खुद ही चुन लो। हाँ। तो हमारा टास्क ये है कि हम अपने मुंह में पानी भर लें और इस पीटा ब्रेड से एक दूसरे को मारें। बहुत मजेदार होगा। तो चलो शुरू करते हैं, सभी कैमरामैन को छुपा दो, चलो शुरू करो फिर। चलो चलो आगे बढ़ो। ओ हम पहले हैं। ओए ये याद रखो, स्टेज पर उसने तुम्हें चिल्लाया था, आगे बढ़ो। अरे बहुत बढ़िया किटी, तुम भी एक दो, उसको गिरनी चाहिए वो नीचे, ठीक है? आर्गुमेंट्स। पानी गिर गया किटी के मुंह से, पानी गिर गया मतलब किटी हार गई, ईवा जीत गई। चलो दीदी, ईवा जीत गई है, ईवा विनर है। जोर से मार, मस्ती मजाक चल रहा लगता है। तो क्या हम फाइनल करेंगे? हम चलो नहीं करते फाइनल। तो बिना फाइनल के विनर हैं टीना, ईवा और दोस्ती। तो बस इतना ही, हमारे व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारी है हमारे ब्लूपर्स देखने की। ब्लूपर शुरू होते हैं 3, 2, 1। मेरे कान में मत चिल्लाओ, कान फट रहे हैं तो हट जाओ ना। वो कौन है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। Impossible है? ऐसा हो भी सकता है, मैं चेक करता हूँ। मुझे पता है। अभी मुझे क्या मार रहा है? उसको मार रहा, उसका मैच था, उसकी तो मारा ही नहीं, तूने मुझे ही मार रहा है पागल। चले जाओ। अबे तेरी तो मैं भी तेरी बजाऊंगा साले। अब गया तो क्या आपने अभी अभी हम सबको आकाश में उड़ते हुए देखा? तुम चाहती क्या हो? दूर हटो।